देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है आज की डेट में लैंड प्राइसेस का ज़्यादा होना है. दूसरा, पॉलिसीज़ को क्लियरिटी के साथ लाइन पे आना, ज़मीन पे आना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा ट्रबल कहाँ आती है, जब उसकी अप्रूवल्स हैं, उसका कोई सिस्टम ना हो. उसमें आज अप्रूवल्स आप लेने जाते हैं, एक एक साल आपको अप्रूवल्स में लग जाता है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई मायना रह ही नहीं जाता. तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं रेरा और GST जैसे महत्वपूर्ण बिल लाकर, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना अफोर्डेबल हाउसिंग के सेंस में मुझे लगता है और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे बड़ा जो मुझे टास्क लगता है वो अप्रूवल्स हैं. उनको ऑटोमेटेड बनाना चाहिए, बिना किसी, एक सिस्टम होना चाहिए कि एक कि पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर एक विंडो, वन विंडो क्लियरेंस काइंड ऑफ मॉडल बनना चाहिए, जिसमें 90 डेज का या कोई एक पीरियड होना चाहिए सर्टन. इस टाइम के अंदर अगर ये लाइसेंस डिपार्टमेंट नहीं दे पाता है या ऑल अप्रूवल्स नहीं दे पाता है, तो ये डीम्ड होगा, या उन फाइल्स के अंदर जो भी ट्रबल्स हैं उनको करके वापस भेज देना चाहिए, ताकि जो एलिजिबल लोग हैं वो आगे जा सकें. देखिए, बिल्कुल नहीं लगता मुझे. GST इस देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है. मैं GST का पक्षधर रहा हूँ. मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को जब स्टार्ट आप करते हैं, आप छोटे से सोच रहे बिज़नेस भी जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको ट्रबल्स आती हैं. आप पूरे देश में एक GST को लागू कर रहे हैं, थोड़ी छोटी मोटी ट्रबल हो सकती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत बड़ा रेवोल्यूशन एक इंडिया लेवल के ऊपर है. और ये मुझे लगता है कि रियल इस्टेट के अंदर ये बहुत अच्छा कदम है. इसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे में अगर मैं आऊँ, तो मुझे लगता है कि GST, जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी को कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि लोग अपना घर अफोर्ड कर पाएँ. तो अगर GST को उनके ऊपर 50% भी कर दिया जाए, तो शायद वो उनके लिए एक बहुत बहुत अच्छा कदम होगा, शायद वो अपना घर ले पाएंगे. फिर नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल रेरा का पक्षधर हूँ, और मुझे लगता है कि रेरा शायद बहुत लेट इम्प्लीमेंट हुआ है. इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज जो बिल्डर्स की हालत है, डेवलपर्स की, वो नहीं होती अगर आज से 10 साल पहले ये कानून लागू हो गया होता. तो मुझे लगता है कि रेरा को पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए. हर डेवलपर को, कस्टमर को अनुशासन में होना चाहिए. जो कस्टमर हमें अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई अगर हमें सौंप रहा है, तो हमारा भी एक फ़र्ज बनता है कि अपना घर उसे बना के हम दें. देखिए, मुझे लगता है रेरा आने के बाद उनको अब आराम से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी सीरियस डेवलपर हैं वही लोग इस बिज़नेस में रहने वाले हैं. जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों का माइंडसेट ये नहीं है कि उनको डिलीवरी देना है, या जो कमिटमेंट उन्होंने कर दिया उसका कोई मायना नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसे डेवलपर आपको बहुत जल्दी इस लाइन से निकलते हुए नहीं आएंगे. और ऐसे चुनिंदा ही डेवलपर रह जाएंगे, या इंस्टीट्यूशन काइंड ऑफ बड़े डेवलपर रह जाएंगे, जो इन जितने कंप्लायंसेज उनको पूरा कर सकें, और जो वो कमिटमेंट अपने बायर्स के साथ कर रहे हैं उनको वो डिलीवर कर सकें. थैंक यू.